गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज आपका ई गवर्नेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर 5 से रिलेटेड चैप्टर 5 में है। ई गवर्नेंस होता क्या है स्टूडेंट्स? ई गवर्नेंस होता है आपका, हम लोग को गवर्नमेंट सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो सिटीजन्स को, बिजनेसेस को या फिर दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी ई गवर्नेंस में आती हैं। ई गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ई जी ओ वी, जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आपकी जो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पास ये पावर होती है कि ये ई गवर्नेंस की कोई भी सर्विस अप्लाई कर सकें। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? तो ये हमें हेल्प करती है इंटरनल एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में, द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, हम लोग के पास जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जो डिलीवरी होती है, वो पब्लिक सर्विसेज जो हम लोग को प्रोवाइड की जाती हैं वो प्रोवाइड करने के लिए। एंड नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। आप सभी ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में SST में पढ़ा होगा, ये भी वही है, उसी टाइप में है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए, इट इजली फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। ये जो है आपका, ये इजली फैसिलिटेट करता है इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। कैसे करता है? लोगों, आम लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको ईजिली मेंटेन रखता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो ईजिली अवेलेबल होती है पब्लिक थ्रू गवर्नेंस के। फिर नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस इज पॉसिबल थ्रू फॉलोइंग मॉडल्स। पांच चीज़ें हैं यहाँ पे, पांच पॉइंट्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट कैसे डायरेक्टली वे करती है हम लोग तक उनकी सर्विसेज। पहली है गवर्नमेंट टू सिटीज़न। कैसी है पहली है गवर्नमेंट टू सिटीज़न। गवर्नमेंट किसी पर्सन तक डायरेक्ट चीज़ें पहुंचाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू कस्टमर, जो भी उन सर्विसेज को ख़रीद रहा होगा, हो सकता है वो एक रीसेलर हो, मीन्स उसने ख़रीदा गवर्नमेंट से एंड प्राइवेट में उसको बेच दिया। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट डायरेक्ट प्राइवेट बिजनेसेस को करती है। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कुछ स्कूल्स होंगे, कोई गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होगी, कोई फैसिलिटीज़ होंगी, तो वहाँ पे डायरेक्ट वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ भी इसमें आता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस मेक्स पब्लिक सर्विसेज मोर एफिशिएंट, कन्वीनियंट एंड बेटर एक्सेसिबल। ई गवर्नेंस जो है आपकी पब्लिक सर्विसेज को मोर एफिशिएंट करती है, मींस अच्छी बनाती है, कन्वीनियंट करती है एंड बेटर एक्सेसिबल, मींस अच्छे से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आपको सही सलामत प्रोवाइड की जाएगी एंड आपका उसमें हेल्प भी होगी, आप उसे आसानी से एक्सेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। बेनिफिट्स क्या होते हैं? फर्स्ट है गवर्नमेंट कैन गैदर इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स एंड बिजनेस। गवर्नमेंट जो है किया है वो आपकी इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन्स बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है। पीपल कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो लोग हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। फिर थर्ड है पीपल कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स, इसका मतलब है जो आम लोग हैं वो भी गवर्नमेंट तक ईजिली पहुँच सकते हैं, अपनी बात ईजिली उन तक पहुँचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पब्लिक वेलफेयर इज़ अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। ई गवर्नेंस में स्टूडेंट्स आप तक जो सुविधाएं पहुंच रही हैं या फिर आपको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, ये आपको आपका पूरा ई गवर्नेंस में अवेलेबल होता है। फिर नेक्स्ट है इट एलिमिनेट्स करप्शन। अब स्टूडेंट्स जो भी आपका करप्शन होता है वो होता है कि ऐसा किसी हमारे पब्लिक नेता को हाथ में दिया गया
एंड वो जितना चाहे उतना खर्च करे एंड आपको बिल उसके हायर दिखा दे, बाकी का जो बचा वो अपनी जेब में रख लेता है। इंटरनेट पे क्या होता है, इंटरनेट पे सिर्फ उसी चीज़ का बिल बनता है जितने की आपने शॉपिंग की होगी या फिर जितने की आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो ये आपका करप्शन एलिमिनेट करता है, यहाँ पैसा इधर उधर नहीं होता। फिर नेक्स्ट है, सम फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर मेड ऑनलाइन। कुछ फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जो कि मेड ऑनलाइन किए जाते हैं, जिसमें से है एक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट टैक्सेस जो हैं स्टूडेंट्स टैक्सेस, जो आपके अलग अलग चीज़ के टैक्सेस होते हैं, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, होम टैक्स है, इसके अलावा लोन लोन कह रहा हूँ, कार टैक्स है, ये सब चीज़ें जो आपकी होती हैं स्टूडेंट्स, इन सब का जो टैक्स होता है, आप लोग अभी छोटे हो आपको इनके बारे में नहीं पता, तो ये चीज़ें आपकी ऑफलाइन हुआ करती थी। इनको ऑनलाइन करने से ये हुआ है कि अब आपको कहीं पर अभी किसी ऑफिस में नहीं जाना, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना, आपको सीधे वो चीज़ें यहाँ पर आपके ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे ये सब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ई गवर्नेंस की कुछ फ़ायदेमंद थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अपनी वाड़ी को विराम देते हैं, और आपका आज का वर्क जो है वो है इसके बारे में आपको नोट्स बनाने हैं, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।